हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी फ्री टोल टैक्स कार्ड कैसे बनाते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्या ये अग्निवीर को ये कार्ड इशू होंगे, क्या वो अप्लाई कर पाएंगे, या फिर जो भी वोमेन मिलिट्री पुलिस में जा रहे हैं क्या वो उसके लिए एलिजिबल है, 4 साल के बाद जैसे उनकी सर्विस खत्म होता है 75% वो आ जाते हैं और घर वापस चले जाते हैं, क्या इनको ये लाइफ टाइम कार्ड मौका मिलेगा रखने के लिए। साथ में हम बात करेंगे नेवी और एयरफोर्स की, जो जवान और ऑफिसर्स की, इनकी भी क्या फैसिलिटी है यानी टोल टैक्स में अब जब जाते हैं। टोल टैक्स होता क्या है पहले बता देता हूँ। जब भी आप गाड़ी लेके कोई भी सिटी में ट्रैवल करते हैं, आप बैठे रहते हैं उसमें, तो एक टोल गेट होता है, वहाँ पर आपको कुछ पे करना होता है टैक्सेस के रूप में, या फिर ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट को। यहाँ पर तो स्ट्रिक्टली रूल है कि इंडिया की सोल्जर्स को कोई भी ये देना नहीं पड़ता है, ये एग्जेम्प्टेड है। साथ में जब भी इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स की सोल्जर्स आते हैं वहाँ पर, अगर वो अपनी आइडेंटिटी कार्ड चेक करवाते हैं तो प्रॉपर जो भी बंदा उनको चेक कर रहा है, उनके गाड़ी को चेक कर रहा है, उनके नंबर प्लेट चेक कर रहा है, प्रॉपर स्टैंडिंग पोजीशन पर रहेगा और सैल्यूट करेगा उस जवान को या फिर उप अफसर को। उसके बाद उनकी कोई भी ऐसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो हमारे जवान हैं या फिर अफसर से ये पता कर नहीं पा रहे हैं कि अभी रूल्स एक्चुअली में है क्या, क्योंकि फास्टैग की ज़माना आ गया। फास्टैग में अभी क्या, पहले था तो कार्ड दिखा के चले जाते थे, अभी फास्टैग का ज़माना आ गया, गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगाए तो अभी क्या ये कोई बोल रहा है कि हाँ भाई चल जाएगा, नहीं आई कार्ड दिखाओ चला जाता है, कोई कोई टोल टैक्स में जाने नहीं देते। मैं पिछली बार ना छुट्टी से आ रहा था, भुवनेश्वर आ रहा था घूमने के लिए, तो मेरे घर से लेके भुवनेश्वर तक 2 टोल टैक्स आता है, एक जाजपुर के आसपास आता है टोल टैक्स, वहाँ पर मैंने अपनी आईडी कार्ड चेक कराया और उन्होंने मुझे जाने दिया, कोई भी टोल टैक्स नहीं लिया। फिर आने के बाद कटक के आसपास वहाँ पर एक टोल टैक्स है जिन्होंने मेरे को रोका और उन्होंने सिंपली मुझे कहा कि अगर सर आप यूनिफॉर्म में हैं या फिर आप टेम्परेरी ड्यूटी का कोई मूवमेंट ऑर्डर या फिर ऐसा कोई फौजी ड्यूटी वाला काम कर जा रहे हैं तभी आपकी टोल टैक्स माफ है, अदरवाइज आपको टोल टैक्स पे करना होगा। तो मैंने गाड़ी साइड में रखा, उनको क्लियरली बताया भाई जो आप बोल रहे हो ना कहाँ लिखा है, बोला गाड़ी साइड में मतलब गाड़ी में वहीं रखा, गाड़ी पीछे मेरे जाम हो गए, मैंने बोला कहाँ लिखा है, तो उन्होंने बोला कि सर गाड़ी पीछे लगा लीजिए, मैं बोला गाड़ी में पीछे नहीं लगाता, आप बताइए मुझे रूल्स कहाँ लिखा है कि एक जो सर्विंग सोल्जर है आर्मी नेवी और एयरफोर्स की, तो कहाँ लिखा है कि उन्होंने ये पे करना है। तो उनके पास कोई भी ऐसा लेटर गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया आज तक, मुझे आप नहीं दिखा सकते कि लिखा है कि सोल्जर्स को अभी पे करना होगा फास्टैग। ये न्यूज़ कहाँ से आया अभी ध्यान से समझिए, ये न्यूज़ ऐसे आया था कि जो जब फास्टैग इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में उस टाइम बहुत पेपर में जो छप गया, गूगल इंटरनेट पे डाल दिया, लेकिन वो ऑथराइज साइट से नहीं डाला है, वो अपनी मर्जी से डाला है, मेरा एक वेबसाइट है मैं कुछ भी डालूँ उसमें, ठीक है, तो वो तो शो अप करता है, लेकिन गवर्नमेंट साइट्स में कभी ये ना गवर्नमेंट ऑफिशियल आके बोला कि एक जो सर्विंग सोल्जर है उनको टोल टैक्स देना ही होगा, उनको जो एग्जेम्प्टेड किया था वो मतलब बंद कर दिया, ऐसा कोई भी न्यूज़ अभी तक नहीं है। अभी अगर आप दे रहे हो तो गलत बात आपकी है, आपके अंदर कमी है, क्योंकि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं है, एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए, और गवर्नमेंट ने ये चीज़ें आपके लिए छोड़ के रखा है तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कहाँ है रूल्स दिखाइए, तो उन्होंने नहीं दिखाया मुझे, ठीक है, मैं बोला रूल्स लेके आए ना फिर मेरे से पैसा लेना, बात वहाँ पर वो 150 या 200 रुपये की नहीं थी, बात नाजायज़ फ़ायदा उठाने की थी, तो मैंने तो नहीं दिया, ठीक है, गाड़ी मेरे पीछे जाम हो गए, मैं 10 मिनट तक खड़ा रहा ऐसे ही लाइन पे, ठीक है, वहीं पर खड़ा रहा, फिर लास्ट में उन्होंने मुझे जाने दिया, क्योंकि मुझे पता था जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, अगर आप सही है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसका कोई भी रूल्स नहीं है, ठीक है, आपको बिल्कुल टोल टैक्स पे अपनी आइडेंटिटी कार्ड जब भी आप दिखाते हैं, आप चाहे ऑफ ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी पे है, वर्दी पे है, नहीं है, आपको फ्री है, वो एग्जम्प्टेड है। साथ में जब भी आप गाड़ी लेके जाते हैं कोशिश करिए जो फास्टैग में ना घुसे, तो साइड में एक एम्बुलेंस का VIP पर्सन का जो है जाता है, साइड में आपने देखा होगा एम्बुलेंस वगैरह का, जहाँ पर वो बैरेट लगा के रखते हैं, जैसे आप आते हो हटा देते हैं, वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी कार्ड शो करिए, बताइए, और हमेशा VIP एंट्री लीजिए। एक सोल्जर इंडियन आर्मी की कोई भी रैंक का हो, चाहे वो सिपाही हो या फिर अग्निवीर हो, वो एक VIP पर्सन माना जाता है उस मतलब उस प्लेस में जहाँ पर वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी चाहे खुद का हो या फिर उस गाड़ी में आप बैठे हो, तो आपको बिल्कुल टोल टैक्स फ्री है, आप इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं कि दूसरे के गाड़ी है, गाड़ी मेरा चाहे किसी का भी हो, अगर आपने बैठा है वहाँ पर आपको टोल टैक्स फ्री है, साथ में जो गाड़ी में बैठे हैं उनके लिए भी फ्री है, ठीक है, मजे करो। आप जा रहे हो बिल्कुल साइड से लगाइए गाड़ी, जो आपके एम्बुलेंस वाला जो गाड़ी जाता है वहाँ पर बताइए कि इंडियन आर्मड फोर्स का मैं सोल्जर हूँ, कब से बिल्कुल प्राउडली बताइए, ठीक है, और वहीं पर से आपको छोड़ देगा, ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और रेस्पेक्ट के साथ सैल्यूट के साथ छोड़ेगा, नहीं मारता है और बदतमीज़ करता है, पहले नीचे उतरना, 2 थप्पड़ लगाना, फिर बाद में बाकी बात करना, ठीक है। अभी आते हैं इस कार्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो 13, 14, 15 की जो सतिया है उस टाइम ये चल रहा था, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 तक ये चला, ये जो कार्ड होता था पहले, ये यूनिट इशू करता था पहले ये कार्ड, ये
D2 यही कार्ड है, 50 रुपया दे के मैंने भी बनाया था, ठीक है, अभी शायद मेरे पास नहीं है, फेंक दिया मैंने इसको। तो यहाँ पर ये ऐसे बिल्कुल डिजाइन आता है और यहाँ पर इसका साइन होता है, यहाँ पर जो उनके ऑफिसर साहब रहते हैं यहाँ पर वो साइन करते हैं। पहले ये कार्ड चलता था, आप आई कार्ड अगर नहीं दिखाते हो तो ये कार्ड दिखा दो, टोल टैक्स फ्री का ये दिखा के आप चला जाता, तो ये बिल्कुल सिविल से बन जाता था 50 रुपये में, ठीक है, पहले। और ये इस कार्ड वैलिड था, लेकिन 2016 में क्या हुआ, ये कार्ड को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा स्कैम करने लगे जो सिविलियन होते हैं ना, आपने देखा होगा काफ़ी बार न्यूज़ में पढ़ा होगा, इसने वर्दी पहन लिया आर्मी की, वो पकड़ा गया, वो आईडेंटी कार्ड गलत बना दिया, तो ये सारे चीज़ क्या है, फेक होने के कारण गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, बोला नहीं ये मान्यता नहीं है, ये बैंड है। तो ये कार्ड हमारा 2016 में बंद हो चुका है, तो इस कार्ड को अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते हैं तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, वैलिड इज ऑन ओनली योर क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी कार्ड की वैल्यू बहुत है, समझ गए। यहाँ पर और एक क्वेश्चन आएगा, क्या सर मैं कैंटीन कार्ड अपना दिखा सकता हूँ? नो, कैंटीन कार्ड आप दिखा सकते हैं बट वहाँ से मान्यता नहीं है, क्योंकि आपके आई कार्ड जब दिखाते हैं तभी जाके वो मान्यता है, कैंटीन कार्ड आपकी मान्यता नहीं है। अभी आते हैं भाई अग्निवीर में, अग्निवीर में क्या होगा, ठीक है, जो मैं रूल्स बता रहा हूँ ऑल इंडिया का रूल्स बता रहा हूँ, अगर आपको डाउट है चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक आया था, पहले वो दिखाता हूँ आपको, फाइन वाला, ये देखो यहाँ पर ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये एक्स सर्विसमैन का, तो इन्होंने मतलब जो जोधपुर में राजस्थान में एक एयरफोर्स का अफसर साहब थे, तो उनको बोला था, रोका था, उन्होंने शो किया था, ठीक है, कि मैं एयरफोर्स का अफसर हूँ, और इनकी गाड़ी नंबर भी यहाँ पर दिया गया, देखिए ये इनकी गाड़ी नंबर है, टोटल 35 रुपीज़ का था, ठीक है, और इन्होंने शो किया था, आई एम ए सोल्जर शोड इन हिज आई कार्ड, देखा यहाँ पर, अगर आप देखो एयरफोर्स पर्सनल है आसाम, ठीक है, फ्लाइंग अफसर थे, जाजपुर टू सीकर जा रहे थे अपने घर छुट्टी के दौरान, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा आप पढ़ सकते हो। तो वहाँ पर उनको रोका गया, उनको ज़बरदस्ती किया गया, बोला नहीं आपके लिए ये लागू नहीं है, तो उनको 35 रुपीज़ का ये रिसिप्ट नंबर था, 36241 का रिसिप्ट नंबर में 35 रुपये उनसे काटा गया। तो उन्होंने क्या किया, बात 35 रुपये का मतलब वो नहीं करके उन्होंने क्या किया, उनको पता था बहुत जैसा अगर मरीज से ले रहा है, मैं एक अफसर हूँ तो पता नहीं कितने जवान से ले रहे होंगे, तो उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया, कंज्यूमर कोर्ट से हाई कोर्ट में ये गया, जाने के बाद 10,000 की फाइन लगा था, देखिए दिस इज फॉर टॉकिंग टोल टैक्स फ्रॉम द जवान, एज ए फाइन ऑफ 10,000 हैज बीन इम्पोज ऑन द टोल टैक्स एम्प्लॉई, जो वहाँ पर था उसके ऊपर लगा, ठीक है, ऑन द टोल टैक्स एजेंसी ऑन द कंपनी, ठीक है, तीनों को मिला के 10,000 लगा, एंड द अमाउंट ऑफ 3,000 टुवर्ड द स्पेंट ऑफ फिलिंग द केस इन कोर्ट हैज बीन पनिश्ड, ठीक है, तो 13,000 का फाइन लगा था सिर्फ 35 रुपये लेने में। तो यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन है, ये केसेस एक नहीं है, कम से कम 10 केसेस ऐसे हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं या फिर छोड़ते, छोड़ यार ये छुट्टी आया है, कौन सी इतना सिद्ध दिलेगा, देखिए बात सिद्ध की नहीं है, बात अगर आप दो टोल टैक्स अगर मैं वहाँ पर मेरे घर से लेके भुवनेश्वर तक जाता हूँ तो मेरा 500-600 रुपये का जाता है, मैं क्यों दूँ, जब गवर्नमेंट ने ये ऑथोराइज़ नहीं किया है, आप मतलब ये तो गुंडागिरी हो गया, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ठीक है, इसलिए मैं बोला ज़्यादा बदतमीज करता है, दो थप्पड़ लगाइए उसके बाद उससे बात करिए, ठीक है। उसके बात क्या है, कल हम इसके बारे में बात करेंगे, एक्स वाई जेड क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज HRA, यानी हाउस रेंट अलाउंसेस एक जवान एक अग्निवीर को कैसे मिलता है, हम कैसे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज होता है जब हम घर नहीं लेते हैं ना, हमारे पेमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो चीज़ें पता नहीं रहता, सारे के सारे जेड सिटी में लेते हैं, ठीक है, तो जेड सिटी में लेने से हमारे को फायदा नुकसान होता है बहुत, एक्स वाई और सिटी लेना चाहिए कल बताऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है आर्मी स्थल ऑफिशियल, 1300-1400 बंदा एनरोल कर चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो। साथ में अगर आपको कोई पर्सनल सजेशंस मेंटरशिप चाहिए तो आप ईमेल के द्वारा हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात है अग्निवीर को बताते हैं, अग्निवीर करेंगे क्या, क्या ये अग्निवीर को कार्ड मिलेगा, देखिए अग्निवीर को कार्ड नहीं मिल सकता क्योंकि ये 2016 से बंद हो चुके हैं, अभी जो अग्निवीर आ रहे हैं सॉरी भाई आप लोग को ये कार्ड नहीं मिलेगा, अभी बनता ही नहीं है। तो क्या आपको जो सर्विस के दौरान आपको छूट मिलेगा, बिल्कुल, अग्निवीर एक सोल्जर है, ठीक है, जो 4 साल देश की सेवा करने आ रहा है, उसके बाद 25% जो रहेंगे वो पूरी देश सेवा करेंगे और 15 साल, तो इसमें कोई दौरा नहीं है कि आपके लिए कोई अलग सा रूल है, बिल्कुल आप एक सोल्जर है, बिल्कुल आपकी जो प्रोसीजर है, जब भी आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आप एक इंडियन आर्मी की, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की सोल्जर है, प्रॉपर स्टैंडिंग पोजीशन में आपको सैल्यूट किया जाएगा वहाँ पर रोड पे, और आपको बिल्कुल फ्रीली विथ इज्जत रेस्पेक्ट के साथ छोड़ा जाएगा जब आपको रूल्स पता है। अगर उनको नहीं पता है तो वीडियो उनको देखा देना कि भाई ये देख लो तुम्हारा रूल्स, अगर तुम्हारे पास कोई सर्कुलर है गवर्नमेंट की तरफ से कि वहाँ पर लिखा है, हाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या दिखाएंगे पता है, बोले सर ये देखो लिखा है कि सोल्जर्स इन टेम्पोरेरी ड्यूटी, या फिर गवर्नमेंट काम जो गवर्नमेंट वर्क होता है, या फिर यूनिफॉर्म में है तब जाके उसको एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, उसको बोलना है भाई मान गया ये लिखा है, यहाँ पर कहाँ लिखा है कि ओनली इस ड्यूटी के लिए लिखा है, ओनली इसी ड्यूटी के लिए लिखा है, कहाँ लिखा है कि बाकी अगर जो सर्विंग सोल्जर है
उनको ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, पैसा देना होगे। कहाँ लिखा है क्लियरली मुझे दिखा दे, नहीं दिखा पाएगा क्योंकि ऐसा कोई रूल्स है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अग्निवीर को जो 4 साल के बाद क्या ये कार्ड की फैसिलिटीज मिलेगा, जी नहीं मिलेगा सॉरी। आप जब भी आपके आई कार्ड जमा हो जाएगा 4 साल के बाद, 4 साल के बाद आप जिस भी गाड़ी में बैठेंगे या आपकी प्राइवेट गाड़ी लेके जाएंगे, आपको टोल टैक्स गवर्नमेंट के हिसाब से आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर आता है कैसे करें अप्लाई और वुमेन मिलिट्री पुलिस को क्या सेम सुविधा है। बिल्कुल, वुमेन मिलिट्री पुलिस एयरफोर्स में जो वुमेन्स जा रहे हैं, नेवी में जा रहे हैं, बिल्कुल आपको सेम अग्रीवीर में आप आ रहे हो तो सेम फैसिलिटी आपके लिए है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कुछ नहीं करना है भाई, अपनी आई कार्ड अपने साथ में रखना। जब भी आप कहीं घूमने जा रहे हैं अपने आई कार्ड को सेफ्टी के साथ अपनी गाड़ी में रखिए, या फिर किसी की गाड़ी में जा रहे हैं सेफ्टी के साथ रखिए। जब भी आप टोल टैक्स में पहुंच रहे, जैसे गाड़ी स्टॉप किया उसको बताए कि आई एम ए सोल्जर फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड आई हैव माई आइडेंटी कार्ड, तो इतना बताइए। फिर बोलेंगे सर आई कार्ड दिखाइए अपना। फिर एक बंदा आएगा उतर के आपके आई कार्ड चेक करेंगे, आपकी गाड़ी नंबर डालेगा, आपके वहाँ पर लिख देगा इंडियन आर्मी सोल्जर, गेट खोलेगा चले जाओगे। ठीक है, बदतमीज मतलब कर ही नहीं सकता आपको अगर आपको रूल्स बताए। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत नॉलेज मिला है कोई सर्विंग सोल्जर से, उनको प्लीज़ शेयर करिए अपने घर में, अगर फैमिली में कोई है वीडियो शेयर करिए और बताइए कि ये चीज़ें हैं, ताकि ऑल इंडिया में कहीं भी हो जाएगा उसको 1 रुपया भी नहीं देना होगा, सिर्फ उसको आई कार्ड अपने लेके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जॉइन हैप्पी यूनिफॉर्म।